भारतीय संविधान का भाग 5 संघ की कार्यपालिका संसद न्यायपालिका आदि के संबंध में प्रावधान करता है। भाग 5 जो कि संघ के बारे में प्रावधान करता है और भाग 5 का अध्याय 1 कार्यपालिका के बारे में प्रावधान करता है। कार्यपालिका के संबंध में प्रावधान अध्याय 1 में है। भाग 5 संघ के बारे में है और भाग 6 जो है वो राज्यों के बारे में है, राज्य की कार्यपालिकाओं के बारे में है, राज्य की न्यायपालिका के बारे में है। आज हम भाग 5 संघ का अध्याय 1 कार्यपालिका के विभिन्न पदाधिकारी पदों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम राष्ट्रपति के संबंध में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के बाद में हम उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री आदि के संबंध में अलग अलग सेशन में विस्तार से देखेंगे। आज हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, उसकी शक्तियाँ क्या है। तो राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है, आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत के लिए राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन करता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेगा, इस संबंध में प्रावधान भी अनुच्छेद 53 में दिया गया है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत करता है। इनके अलावा अनुच्छेद 53 में जो आर्टिकल 53 है वह ये कहता है कि संघ के जो रक्षा बल है, संघ की जो सेनाएं हैं, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा, अर्थात संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। ये आर्टिकल 53 क्लोज 2 में दिया हुआ है और क्लोज 1 में जो 53 क्लोज 1 है उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में सीट निहित होने का प्रावधान है और ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। जहाँ तक राष्ट्रपति की शक्ति का संबंध है, इस संबंध में आर्टिकल 74 देखना लाजमी होगा। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग या अपने कार्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये प्रावधान आर्टिकल 74 में दिया गया है और इसमें यह बाध्य किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, उसके सलाह के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकता। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक और व्यवस्था जोड़ी गई कि राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने के लिए मंत्रिपरिषद को जो सलाह दी है उस सलाह को एक बार वापस लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद सलाह को पुनः लौटा सकता है केवल एक बार के लिए, और इस प्रकार पुनः लौटाने के बाद में मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह दी जाती है उस सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। यानी पुनः यदि वही सलाह दे दी जाती है मंत्रिपरिषद द्वारा तो उस सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य है। तो आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, इसमें सलाह महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने आर्टिकल 53 में देखा कि राष्ट्रपति स्वयं कार्य करेगा, तो आर्टिकल 53 और 74 को देखने पर आपको
कुछ कंट्रोवर्सी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 74 जो है वो 53 पे डोमिनेंट है, और 53 में ये भी कहा गया है कि वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत कार्य करेगा। इस प्रकार आर्टिकल 74 और 53 को साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और प्रधानमंत्री उस मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा और राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, इसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है और उसके सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री को कार्य करना होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 77 में प्रावधान करता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। भारत सरकार के कार्य का संचालन अर्थात भारत सरकार की कार्यपालिका शक्ति की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। समस्त कार्रवाइयाँ जो कार्यपालिका की जो कार्रवाई है, भारत सरकार की कार्य है, वो सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जो है नाम मात्र कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति में, और वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री में होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और राष्ट्रपति को आर्टिकल 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका है वह प्रधानमंत्री में निहित होती है और नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 77 का क्लोज दो ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का प्रमाणन कैसे किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों के अनुसार राष्ट्रपति के आदेशों का प्रमाणन किया जाएगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि उन सब आदेशों पर जो राष्ट्रपति के नाम से किए जाए उनमें स्वयं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ही हो, उनका प्रमाणन नियमों के अनुसार किया जाएगा और उनको इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 77 का क्लोज 3 ये कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए, उनका आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाने का प्रावधान अनुच्छेद 77 क्लोज 3 में है। इस प्रकार राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद हमने 52, 53, 76 और 77 4 मुख्य अनुच्छेदों को देखा। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है, राष्ट्रपति का प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होने की बात करता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत करता है, इस संबंध में अनुच्छेद 53 में प्रावधान है। और अनुच्छेद 53 क्लोज 2 ये कहता है कि भारत की सर्वोच्च सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होने के संबंध में आर्टिकल 53 है, और इसका विस्तार देखा जाए तो आर्टिकल 74 है जो ये कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, पीएम जो है उसका हेड होगा, और उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार जिसका मुखिया पीएम हो राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार आर्टिकल 77 ये कहता है कि कार्यपालिका की समस्त कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, अर्थात राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, जबकि कार्यपालिका का वास्तविक जो है अध्यक्ष पीएम होता है। अर्थात कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ पीएम में या मंत्रिपरिषद में निहित होती है और नाममात्र की शक्तियाँ जो है प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 77 को हमने विस्तार से देखा है।
राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में भारतीय अनुच्छेद भारतीय संविधान में बहुत सारे और भी अनुच्छेद हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से अलग से देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।